लेकिन कांग्रेस वाले तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं राम काल्पनिक है, भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है। वो हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो कभी रामनामी के जुलूस पर बम फेंकते हैं, कभी गोली चलाते हैं, कभी रामायण का अपमान करते, कभी मां सीता का अपमान करते हैं। क्या आप सनातन धर्म का अपमान करने वालों को, हिंदुओं का अपमान करने वालों को, सनातन को खत्म करने वालों को ऐसे कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ जाओगे कभी? क्या जाओगे उनके साथ कभी? अरे मेरा सवाल इसलिए खड़ा होता है, ये आएंगे चुनाव में आपके पास, कोई अपने आप को शिव भक्त बताएगा, कोई देवी भक्त बनाएगा, कोई हनुमान भक्त बताएगा, कोई कृष्ण भक्त बनाएगा, लेकिन सही मायने में सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है कांग्रेस उसके सहयोगी दल। 10 दिन हो गए लगातार, 10 दिनों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम, और सबसे बड़ी बात बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान का अपमान किया है।